वाम शर्ट मोटे शब्द काल करो बूढ़ी जवान को खबरी का सलाम। तो कैसे हो सब लोग, चलिए आज की न्यूज की बढ़ते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम बात करते हैं शान मसूद और शाहीन अफरीदी के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हो, अभी शान मसूद और शाहीन अफरीदी का एक क्लिप काफी ज्यादा वायरल हो रहा था, जहां पे शान मसूद शाहीन अफरीदी के कंधे पे हाथ रखते हैं और शाहीन अफरीदी शान मसूद के हाथ को अपने कंधे से हटा देते हैं। ये क्लिप बहुत ज्यादा वायरल हुआ सोशल मीडिया पर। लोग यही समझने लगे थे कि भाई इन दोनों के बीच कोई ना कोई फाइट वगैरह चल रही है। और इसके बाद कुछ ऐसे र्यूमर्स वगैरह भी चल रहे थे कि शान मसूद और शाहीन अफरीदी की पहले टेस्ट मैच हारने के बाद ड्रेसिंग रूम में कोई फाइट वगैरह हुई है, जिसका मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था। अभी शान मसूद ने इन्हीं रूमर्स को क्लियर किया। उन्होंने बताया कि शाहीन अफरीदी के शोल्डर में पेन था, इसलिए उन्होंने बताया कि हाथ मत रखो शोल्डर पर, और इसके अलावा ऐसी कोई भी बात नहीं थी। अब यहाँ पे रूमर्स वगैरह की बात चली रही है, तो बात करते हैं बाबर आजम के बारे में। बाबर आजम के बारे में भी अभी एक फेक न्यूज काफी ज्यादा वायरल हो रही है, ट्विटर पर भी ट्रेंड कर रही है। बाबर आजम ने पाकिस्तान बांग्लादेश की टेस्ट मैचेस के बाद टेस्ट फॉर्मेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है, और बहुत सारे लोग ये सच भी समझ रहे थे, जैसा कि आप लोग कमेंट्स वगैरह भी चेक कर सकते हो। लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी कंफर्मेशन नहीं आई, ये सारी फेक न्यूज फैल रही है। चलिए अगली न्यूज के बारे में बात करते हैं, जो कि शाहिद अनवर और साद हाशमानी के बारे में। तो शाहिद अनवर पर अभी साद हाशमानी ने बहुत बड़ी एलिगेशन लगा दी है, और काफी सीरियस एलिगेशन लगाई साद हाशमानी ने। जैसे कि उन्होंने बताया कि शाहिद अनवर ने 18 साल से कम लड़की का ब्रेन वॉश किया, उसको अपने साथ लेकर दूसरे शहर गए। वो लड़की अपने साथ ज्वेलरी वगैरह भी लेकर आई थी शाहिद अनवर, और वो लड़की एक होटल में ठहरी। उसके बाद लड़की का रेप किया शाहिद अनवर ने, और होटल के ओनर ने भी उस लड़की का रेप किया, जिसके बाद शाहिद अनवर उस लड़की को वहीं पर छोड़कर मलेशिया भाग गए, और उस लड़की की ज्वेलरी वगैरह भी लेकर भागे। जिसके बाद शाहिद अनवर पर FIR भी हुई हुई है रेप और किडनैपिंग के केस में। इसको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया साद हाशमानी ने, आप खुद सुन ले इस बारे में उन्होंने क्या कहा। बच्चों, बहुत टाइम से मैं खामोश बैठा हूँ, क्योंकि काम करने वाला आदमी हूँ, इंटरटेनर नहीं हूँ, लेकिन मैंने कहा था मुझसे दुश्मनी तू ले नहीं सकता। गूगल पे ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, समझाया था तुझे, सवाद तक पहुँच जाएगी, रुक जा। एक कहानी आई है अभी कि एक लड़का एक अंडर एज लड़की को, यानी कम उम्र लड़की को, 18 साल से छोटी उम्र लड़की को किडनैप करता है, उसके घर से सोना मंगवाता है, वर्गला के ब्रेन वॉश करके, और उसे लेके जाता है दूसरे शहर। उस शहर में पैसे ना होने की वजह से वो होटल में रहता है, और होटल में उसके साथ ज्यादती करता है, और होटल वाला भी उसके साथ ज्यादती करता है। ये सब नाजायज करने के बाद वो उसे अकेला छोड़ के, उसकी सारी ज्वेलरी लेके मलेशिया भाग जाता है। ये है किरदार उस बिजनेसमैन का या इंटरटेनर का, जिसको लोग कहते हैं कि यार ये बड़ा अच्छा आदमी है, ये हमें मोटिवेट करता है। अपनी औलादों को ऐसे लोगों से दूर रखो, ये क्रिमिनल है, ये एब्सकॉन्डर है, भगोड़ा है। इसके ऊपर किडनैपिंग और रॉबरी की FIR हुई हुई है, जिसका प्रूफ तलवार चैनल पे रेफरेंस दिया हुआ है लोगों ने। तो अब आप ये बताओ कि क्या आपको ऐसे आदमी से कुछ सीखना है, कुछ मोटिवेशन चाहिए? ये आदमी तो सेक्स ऑफेंडर लिस्ट पे होना चाहिए, इस आदमी को तो फ्री सोसाइटी में घूमना ही नहीं चाहिए। और इंशाल्लाह मेरे अंदर जितनी ताकत है, मैं काम करूंगा अमेरिका में इसको उन लिस्टों पे डलवाने की, जिससे ये बच्चों के करीब ना आ पाए। और जिन जिन लीगल एवेन्यूज पे मैं जा सका ना, मैं जाऊंगा इसको उस मुल्क से बाहर निकालने का। ये लीडियोज के बात करते हैं, जो कि वकार जका के बारे में। वकार जका ने बताया कि उनके साथ कुछ लड़कियां ऐसा सीन करने की कोशिश करते हैं जिससे वकार जका की बदनामी हो सकती है। तो उन्हीं लड़कियों को अभी रिप्लाई किया वकार जका ने, आप खुद सुन ले इस बारे में उन्होंने क्या कहा। अच्छा नजर आ रहा होता है जब कोई लड़कियां मिलकर फंसाने की ये कोशिश कर रही होती हैं कि वकार जका को जो है हम किसी ऐसे चक्कर में फंसा दें कि कोई केस बन जाए, हम इसके रूम में आ जाएं, कोई अंडर एज का सीन करके इस तरह हरामीपन कर लें। नहीं होगा ऐसा कुछ। और जो ये कर रहा है ना, जो उसके स्क्रीनशॉट और स्क्रीन हर चीज़ डालने का पूरा पोटेंशियल है मेरे में। मैं वो लड़का नहीं हूँ जो कह दे चलो लड़की है जाने दो, जो करता है उसके घर वालों को भी घर तक छोड़ के आते हैं। चलिए अगली न्यूज के बारे में बात करते हैं, जो कि कराची गिजरी पुलिस स्टेशन की एक लेडी कांस्टेबल के बारे में, जिनको एक टिकटॉक वीडियो बनाने की वजह से अभी सस्पेंड कर दिया गया है। इस टिकटॉक वीडियो की वजह से उनको सस्पेंड किया गया। पहले आप उनकी ये टिकटॉक वीडियो चेक करो। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो आज मेरी ड्यूटी लगी है मायकुलाशी रोड भेरिया कॉलेज के पास। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ सारी नफरी मौजूद है, और ये मेरी बाइक खड़ी हुई है, और ये देखने अगर जिस चीज से मुझसे मिलना है यहाँ पर आके मिल सकते हैं। मेरी आज यहाँ ड्यूटी लगी है मायकुलाशी रोड भेरिया कॉलेज।
बाय बाय गाइस। तो जैसे ही उनकी ये वीडियो वायरल हुई, डीआईजी ने एक्शन लिया। उन्होंने बताया कि ऐसा इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर अलाउड नहीं है, जिस वजह से उनको सस्पेंड कर दिया गया। और इस पर लेडी कांस्टेबल ने भी अभी अपील की हुई है जस्टिस के लिए। बाकी आप लोग क्या सोचते हो, क्या ये टिकटॉक वीडियो के लिए उनको सस्पेंड करना बनता था या नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगली न्यूज की बात करते हैं जो कि स्टार एनोनिमस के बारे में। स्टार एनोनिमस ने अभी बताया कि बाबा ओपी का ब्रेकअप हो चुका है, जिस वजह से वो काफी डीमोटिवेट हो चुके हैं और इसी वजह से उनकी तरफ से कोई कंटेंट वगैरह भी नहीं आ रहा। आप खुद सुन ले इस बारे में उन्होंने क्या कहा। पब्लिक एक सैड न्यूज है, हमारी जान है बाबा ओपी, उसका ब्रेकअप हो गया है और वो बहुत डीमोटिवेट है, कुछ पोस्ट भी नहीं कर रहा, बहुत डाउन है। हम तो मोटिवेट कर रहे हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है जाओ उसको स्टोरीज में मेंशन करो और उसे थोड़ा पॉजिटिव माहौल दिखाओ स्टोरीज में, थोड़ा उसको मोटिवेट करो, मेंशन करो कि वो थोड़ा मोटिवेट हो जाए और वापस से कंटेंट कॉन्टेंट बनाए। यार ये तो चलता रहता है, जिंदगी का हिस्सा है, तो जरा मोटिवेट करो यार बाबे को। चलिए अगली न्यूज के बारे में बात करते हैं जो कि सीबी अरसलान नसीर के बारे में। अरसलान नसीर का अभी हेबा बुखारी के चैनल पर एक वीडियो आया, तो उसी वीडियो में अरसलान नसीर ने पाकिस्तान के कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज को एक्सपोज किया जो कि जैसे भी कोई भी अवार्ड शो वगैरह होता है दुबई में, उसके लिए उनको 3-4 दिन रहना पड़ता है वहाँ पे, और जितने भी एक्टर्स वगैरह इन्वाइटेड होते हैं उनका सारा खर्चा अवार्ड शोज वाले उठाते हैं। उसी पर उन्होंने बताया कि जैसे कि पीसा अवार्ड वगैरह चल रहा था तब 3 दिन का स्टे मिला था सबको, लेकिन वो 1 दिन गए थे, नेक्स्ट डे अवार्ड लेके वापस आ गए थे, लेकिन बाकी सभी लोग ऐसे नहीं करते। तो आप खुद सुन ले इस बारे में उन्होंने क्या कहा। हम थे पीसा पे, ठीक है, पीसा के लिए हम गए थे वहाँ पे, उसके बाद फिर वो हमारा लास्ट डे था, वी वेंट देयर लाइक फॉर 2-3 डेज, सबका 2-3 डेज का स्टे था। मेरा तो 1 दिन का भी नहीं था, 2 दिन का। हम क्या कर सकते हैं, तो 2-3 दिन का स्टे हमें दिया था आर्टिस्ट को उन्होंने। नहीं मुझे दे रहे थे स्टे, मैं बिजी था, मुझे कोई शौक नहीं है दुबई जाके वहाँ पे, इनको बस पड़ जाती है, हमारी इंडस्ट्री में ना बड़े लोग होते हैं, तरस रहे होते हैं, किसी तरह 3 दिन मिल जाए दुबई के मुफ्त में, तो मैं गया था, रात को गया था और अगले दिन आ गया था। ऐसा नहीं है क्या? इनको कोई अवार्ड्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है इस चीज का। मुझे किसी ने ये भी बोला ना, मैंने कहा यार ये वो पता नहीं क्या, तो इंडस्ट्री में किसी ने मुझे कहा कि यार तुम्हें किस चीज की फिक्र है, तुम तो अमीर हो। नहीं अमीर नहीं हो, हर साल के बाद मुफ्त का तुम्हें ट्रैवल मिल जाता है, अमीर है। अमीर की बात नहीं, नदीदे होने की बात होती है। चलिए अगली न्यूज़ के बारे में बात करते हैं जो कि डिफॉल्ट एक्सटी के बारे में। डिफॉल्ट एक्सटी का इंस्टाग्राम अकाउंट बैन हो गया था, वो किस बंदे ने करवाया, उसी बंदे को अभी रिप्लाई किया है डिफॉल्ट एक्सटी ने। आप खुद सुन ले इस बारे में उन्होंने क्या कहा। लोग अकाउंट मेरा जो है वो वापस आ गया, ठीक है, और ये हरकत दोबारा ना करना, ठीक है, क्योंकि दोबारा भी करोगे मैं दोबारा भी तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, लेकिन ये होगा कि उसके बाद फिर तुम्हें पता कि क्या होगा, क्योंकि मुझे एड्रेस तुम्हारा पता चल गया था कि तुम कहाँ रहते हो, क्या करते हो, सब कुछ मुझे ए टू जी पता चल गया था, ठीक है, कि किस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, किस टीम के साथ तुमने मिलके ये काम किया, ठीक है, ए टू जी सारा कुछ मुझे पता चल गया था। मैंने होल्ड पे रखा हुआ था, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, मेरे पास अभी तक मैसेजेस प्रूफ्स स्क्रीनशॉट्स पड़े हैं, ठीक है। दोबारा ये हरकत करोगे तो फिर मुलाकात लाहौर में होगी, इतना बता देना काफी है। चलिए अगली न्यूज के बारे में बात करते हैं जो कि डकी भाई के बारे में। डकी भाई ने अपनी वाइफ अरूप जतोई के अकाउंट से एक ऐसी स्टोरी शेयर की, साद हेयर फ्रॉम अरूप्स इंस्टाग्राम, प्रे फॉर हर स्पीडी रिकवरी। लेकिन अभी डकी भाई की नानी, जिनको आपने डकी भाई के कुछ व्लॉग्स में भी देखा होगा, उनकी अभी डेथ हो चुकी है, जिस पर डकी भाई ने एक ऐसी स्टोरी शेयर की, माय नानो जस्ट पास्ड अवे, प्लीज कीप हर एंड आवर फैमिली इन यूर प्रेयर्स, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप लोग भी उनके लिए जरूर दुआ करना कि अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे। चलिए अगली न्यूज के बारे में बात करते हैं जो कि मुबीन उल हक के बारे में। मुबीन उल हक ने अभी बॉयकॉट कैंपेन से रिलेटेड एक बात की है, जैसे कि उन्होंने बताया कि कुछ ब्रांड्स को जैसे कि अभी बॉयकॉट किया जा रहा है, लेकिन उसकी वजह से कुछ और ब्रांड्स फायदा उठा रहे हैं और वो गलत फायदा उठा रहे हैं इसी बॉयकॉट कैंपेन का। आप खुद सुन ले इस बारे में उन्होंने क्या कहा। देखो अपने लोकल ब्रांड को माशाल्लाह सपोर्ट करने का प्राइस आपको क्या देना पड़ता है, दिन ब दिन माशाल्लाह ये जो डैश जीज वाले हैं ये कोल्सलो देखो कितना कर दिया, कितना का 100 रुपीज का, प्लस ये इतनी गर्म बोतल है कि इसमें अगर दूध डालो तो ये चाय बन जाएगी, है ना। हाँ बाबा बोले खाओ खाओ खाओ, मगर यार खुदा की कसम फिर हम इंटरनेशनल जो ब्रांड्स हैं उनको हम बायकॉट कर रहे हैं, मगर सर्विस देखो, सर्विस में भी काम करना है भैया, सर्विस में भी अपने स्टाफ को थोड़ा ट्रेन करो। एक तो हमने ऑर्डर कुछ और दिया, उन्होंने पंच कुछ और कर दिया, हमने बोला चेंज करो तो उन्होंने बोला कि भाई चेंज नहीं हो सकता, पंच हो चुका है, पंच होने के बाद चेंज नहीं हो सकता है,
मैंने काम किया हुआ है, आप सिस्टम में आके चेंज कर सकते हो। मगर ये बॉन्डर देखो, ये प्राइस देनी पड़ती है लोकल ब्रांड को प्रमोट करने की। चलिए अगली न्यूज़ के बारे में बात करते हैं, जो कि शानदार मोबाइल्स के अरबाज बट के बारे में। जैसा कि मैंने आप लोगों को अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि शानदार मोबाइल के अरबाज बट ने यह अनाउंस किया था कि वो शेरा की फैमिली की मदद करते रहेंगे हर महीने। तो जिस पर एक कंटेंट क्रिएटर मलिक वलीद अवान ने एक वीडियो अपलोड की, जहां पे उन्होंने बताया कि कब तक शेरा की वो मदद कर सकते हैं। आज उनका कारोबार चल रहा है तो वो मदद कर रहे हैं, और कल को अगर उनका कारोबार ऊपर नीचे होता है तो वो कैसे मदद कर सकते हैं शेरा की। तो इसी बात का अभी रिप्लाई किया अरबाज बट ने, आप खुद सुन ले इस बारे में उन्होंने क्या कहा। अच्छा, इस मेरे भाई ने बोला है कि शेरा को शानदार मोबाइल वाले तब तक मदद करेंगे जब तक उनका कारोबार चल रहा है। शानदार मोबाइल वाले देंगे, बच्चे का खर्चा उठाएंगे, जिस होटल पे वो काम करता था वो भी खर्चा उठाएंगे, लेकिन कितना उठा लेंगे यार, वो खुद कारोबारी लोग हैं। आज उनका कारोबार चल रहा है, कल उनका नुकसान हो गया, वो क्या करेंगे, वो तो भूल जाएंगे शेरा को। इसलिए हुकूमत, बातें तो आपने बाकी सारी ठीक की है, ये बात थोड़ी मुझे मेरे दिल को लगी है, आपकी दुआ चाहिए। कारोबार अभी से नहीं कर रहे हम, कुछ 40-50 साल से कारोबार कर रहे हैं, और कारोबार चले ना चले एक दिल में मोहब्बत होती है, तो इंशाल्लाह वो मोहब्बत खत्म नहीं हो सकती। और इतना कि अल्लाह का करम है, कारोबार ना भी हो मैं शेरा की हेल्प कर सकता हूँ और करता रहूँगा, और बेशक मेरे पास सब कुछ है। आप ये बिल्कुल टेंशन ना लोगे, कारोबार मेरा कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए तो मैं हाथ रोक लूँगा। इंशाल्लाह मैं शेरा की फैमिली के साथ खड़ा हूँ, और इंशाल्लाह आखिर तक जब तक शेरा का बेटा किसी अच्छी स्टेज पे नहीं पहुंचेगा तब तक मैं उसके साथ हूँ। चलिए अगली न्यूज के बारे में बात करते हैं, जो कि जलमी के बारे में। जलमी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक ऐसी रील अपलोड की जहां पे डकी भाई और रजब भट्ट उनकी तारीफ कर रहे होते हैं उनके कंटेंट की, जिसपे डकी भाई बोलते हैं कि जलमी ज्यादा मेहनत करता है इसलिए मैं इसको अप्रिशिएट करना चाहूंगा। और ऐसे ही रजब भट्ट से भी ऐसे क्वेश्चन किया गया था कि मास अफ्तर या जलमी में से आप किसको चूज करेंगे, जिसपे उन्होंने जलमी को चूज किया, क्योंकि कोई भी होगा तो वो जलमी प्लेयर्स को फेवर करेगा। जिस तरह के ड्रोन शॉट्स और जितनी मेहनत वो करते हैं, अगर उतनी मेहनत और वो सारी चीजें मैं अपने व्लॉग में करूं तो शायद हफ्ते में एक व्लॉग डाल सकूं। और इस रील पे एक सॉन्ग लगा था जिसपे कॉपीराइट आ सकता था, जिस वजह से मैं रील नहीं दिखा सकता। यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपने देखनी है जाकर देख सकते हो। चलिए भी कुछ इंटरनेशनल न्यूज के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं आई शो स्पीड के बारे में। रिसेंटली आई शो स्पीड ने अपने चैनल पर एक स्ट्रीम की जहाँ पे वो अपना एक रोबोट डॉग लेकर आते हैं, और उसी रोबोट डॉग के साथ उनका एक सीन काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जहाँ पे एक तरह से उनका रोबोट उनपे अटैक कर देता है, उनपे आग वगैरह फेंकता है। Just bark. I want to see you bark. Say bark, bark. Ah! God damn it! God damn it! Hey! Hey! Stop, 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 stop! Hey! No! चलिए भी अगली न्यूज के बारे में बात करते हैं, जो कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो और मिस्टर बीस्ट के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हो, रोनाल्डो ने अपना जो यूट्यूब चैनल बनाया उस पर 50 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड्स उन्होंने तोड़े हैं। तो इस पर बहुत सारे लोग तो ऐसे बोल ही रहे थे कि हो सकता है कि वो मिस्टर बीस्ट को भी क्रॉस कर जाए, लेकिन अभी लोगों के साथ साथ रोनाल्डो ने खुद भी अपना रिएक्शन दिया इसी पर। तो अभी रिसेंटली उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, जिसपे किसी बंदे ने मिस्टर बीस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन किया उनसे, जिसके रिप्लाई में रोनाल्डो बोलते हैं ही इज द गाय आई हैव टू बीट ऑन यूट्यूब एंड आई वॉन्ट टू बीट हिम, पर इसके बाद वो हंसने लगते हैं। बाकी आप लोग बताना यार, क्या आपको भी ऐसा लगता है, क्या रोनाल्डो मिस्टर बीस्ट को क्रॉस कर सकते हैं या नहीं। बाकी आज के लिए बस इतनी अपडेट्स हैं, अगर तो वीडियो पसंद आई लाइक सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।